इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं जानी मानी कवियत्री और मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर नूतन गैरोला। इस समस्या को तो मैं एक चुनौती की तरह देखती हूँ कि हम लोगों के आगे अभी मानवता के आगे मानव समाज के आगे एक चुनौती है कि हमें इस जंग में जीतना है, क्योंकि कोरोना वायरस खुद में एक ऐसी कड़ी है जो कि सजीव और निर्जीव के बीच में, यह ना तो चल सकता है खुद से ना चल सकता है, लेकिन ये हमारी अज्ञानता की वजह से आज समाज में इतना बिखरा है। हम लोग ही इसमें एक एक्टिव पार्ट ले रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। हमारी अज्ञानता और हम जो इसको लापरवाही की नजरिए से जो लोग देख रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखते, उस माध्यम के थ्रू जो है ये आज समाज में फैल रहा है। अगर हम इस पे लगाम दें, हम अपने को बिल्कुल जो इसके बताए गए नियमों को हम अगर फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथों को वॉश करें, अगर हमें बाहर किन्हीं कारणों से बाहर जाना पड़ता हो तो हम अपने को कवर अप करके जाएं, अपनी आंखों में चश्मा लगाएं, बालों को अपने बांध के जाएं। बहुत लंबी रिसर्च तो इसमें हुई नहीं है, जो थोड़ी बहुत जो रिसर्च हुई है उसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एयरबॉर्न भी है, जबकि कई जगह पे कह रहे हैं कि ड्रॉपलेट के थ्रू है और वो एक थोड़ी दूरी पे जाके ड्रॉपलेट नीचे गिर जाते हैं और ये फिर वो फोमाइट की तरह जो है मतलब सरफेस के थ्रू जा रहा है, लेकिन किसी किसी जगह पे मैंने यह भी पढ़ा है कि यह जो है एयरबॉर्न भी है। और इसलिए कपड़ों का या किसी भी तरीके का मास्क लगा के अपने को प्रोटेक्ट कर सके तो ज्यादा बेहतरी होगी। तो एक तो हमें अपने को कवर अप करके जाना है, दूसरे जब हम घर आए तो अपने डोर्स के नॉब को मतलब अगर जिस साइड से खुलता है हम कंधे से खोलें, या अगर हम इसको डोर को यूज करते भी हैं तो सीधे जाके पहले बाथरूम में अपना हाथ साबुन से अच्छे से मल के धोना है, उंगलियों को अलग धोना है और वैप्स को जो अपनी उंगलियों के बीच की वैप्स होती हैं, नेल्स होते हैं, नेल्स को रब करना है अपनी दूसरे पाम पर, इस हाथ की जैसे चारों उंगलियों के नेल्स हैं पाम पे रगड़ने, एक बार इस हाथ से फिर दूसरी बार लेफ्ट हैंड से, तो इसको पूरी प्रॉपरली हैंड वॉश करना है। उसी के बाद हमको और अन्य चीजों को घर की टच करना है और एक आदत डेवलप करनी है कि अपने हाथों से अपने मुंह और नाक को, आंखों को, फेस को ना छूएं। अगर हम छूते हैं तो पहले हमारा हैंड वॉश हो। दूसरी चीज, जो हम डोर छोड़ के आए हैं हम उस डोर को भी क्लीन करें, और हम लोगों को जूते बाहर उतारने का आदत करनी, जूते जो हमारे बाहर गए हैं जूतों के थ्रू भी आ सकता है क्योंकि मिट्टी में पड़ा रहता है, तो शूज को हमें बाहर रखना है, घर के बाहर रखना है, और शूज को हम अगर हम धूप में रख लें घर की अलग चप्पल करें, अंदर की चप्पल अलग करें। और अपना खाने पीने का भी विशेष कि हम इन दिनों सिर्फ पका हुआ खाना खाएं, गरम पका हुआ खाना खाएं, ठंडा खाना, फ्रिज का खाना ठंडी चीजों में, क्योंकि ये उसमें डोरमेंट फेज में रह सकता है वायरस, तो हमें खाने को अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें वो खत्म हो जाता है, गर्म को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खत्म हो जाता है। तो हमें गर्म खाना खाना है, गर्म पानी पीना है और फ्रेश खाना पका के खाना है चीजें। और हमारा जो पेट है उसको ज्यादा सहलाना नहीं है, क्योंकि उसके सरफेस जो होती है वो सरफेस भी एक फोमाइट एक सतह का काम करता है। जैसे अखबार लोगों ने बंद किए तो क्या चीज का डर था, फोमाइट का डर था। हमें चीजों का क्वारंटाइन भी करना चाहिए, जैसे कि हम बाजार से कोई सामान लाते हैं तो हम उस सामान को एक जगह पे ऐसा फिक्स कर दें कि हम उस सामान को वहां रख दें। ये जो उनके टाइम पीरियड तक 2-3-4 दिन तक जो भी टाइम होता है हम उस हिसाब से हमारा जो चीज कागज की है कागज में और इस थोड़ा कम समय में जल्दी खत्म होता है कपड़ों में, लेकिन लोहे में और मेटल्स में रहता है, फिर प्लास्टिक में रहता है, उसी हिसाब से हमें चीजों को अलग क्वारंटाइन करके उसके बाद 3-4 दिन बाद इस्तेमाल करें। सब्जियां हैं अच्छे से गर्म पानी से वॉश करें, वॉश करके ही उसको इस्तेमाल करें। तो और जब भी वॉश करते हैं कोई चीज को वॉश करते हैं उसके बाद अपना हाथ जरूर वॉश करें, ये नहीं कि हमने चीजें धो धा दी और फिर हम चल दिए, हमें अपना हाथ वॉश करना है। अगर आप बाहर से आते हैं घर नहा लें गर्म पानी से, खूब फोम उठा के बालों को वॉश करें, अपने कपड़ों को जो बाहर यूज किए उनको गर्म पानी में उबले हुए पानी में सर्फ डाल के थोड़ी देर तक भिगाएं, उसके बाद उसको खूब अच्छे से धो के धूप में डाल दें तो उससे वो स्टरलाइज हो जाएगा आपका कपड़ा। तरीके की सावधानियां बरतनी है। और जब भी हम किसी से भी बात करें तो हमें 1 मीटर तो मिनिमम, वैसे 3 मीटर का फासला रख के और मुंह में मास्क लगा के बात करें। ये उन लोगों के लिए जो कि हेल्दी हैं, जिनको कि कफ जैसी बीमारी है, खांसी हो रही है आजकल या बुखार हो गए हैं, तो उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि वो हमेशा मास्क लगाएं और कृपया कृपया करके कहीं भी भीड़ में, बाजार में, दुकानों में वो ना जाएं,
घर का स्वस्थ व्यक्ति जाए और अपना पूरे प्रॉपर से, लेकिन बीमार व्यक्ति अपने आइसोलेशन में खुद अलग से रहें और स्वास्थ्य विभाग है उसको इस चीज की सूचना भी दें अगर उनके अंदर इस तरह के लक्षण होते हैं कि वो खांस रहे, कोरी खांसी है, तेज बुखार है, गले में दर्द है। ये भी है कि पेट में हल्की से शुरुआत में डायरिया भी होता है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज का काफी लंबा है, 10-12 दिन का, 14 दिन तक का भी। तो इस बीच एक हेल्दी फील करता हुआ आदमी कई लोगों को बीमार कर सकता है। आप कितनी भी हेल्दी अपने को महसूस करते हैं, आप किसी के संपर्क में ना आए, दूरी से नमस्कार करें, ये चीज बहुत फॉलो करनी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर में रहना है, तो घर में रहकर हम लोग किस तरह से क्या कुछ कर सकते हैं, आप क्या खुद कर रही हैं? अच्छा, मैं आपको अपनी एक कविता, वैसे तो ये मैं इसको कविता भी नहीं कह सकती क्योंकि ये मैंने बहुत जल्दी में लिखी थी, क्योंकि हमारे किसी साथी ने इस जानकारी के बदले में ये कहा था कि ये दहशत फैलाना है, तो मैंने ऐसे में एक जल्दी में कुछ लिखा था, तो मैं सुना देना चाहूंगी जिसमें आपने जो बोला है उसका भी उत्तर आता है। वैसे मैं संगीत से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और साहित्य से भी जुड़ी हूँ, तो मैं लिख भी रही हूँ, कोरोना पर भी लिख रही हूँ, और एज ए डॉक्टर मैं जो हमारे अपने ग्रुप्स हैं और आर्टिकल्स आते हैं कोरोना पे, मैं उन पे आजकल ज्यादा देख रही हूँ। लेकिन मैं संगीत भी है तो मैं हारमोनियम पे भी अपना कई बार अपना जब वो लगता है तो अपना खाली टाइम होता है तो हारमोनियम पे भी अपनी कुछ रागों को मजबूत करती हूँ। बाकी आजकल तो किचन का काम भी है, थोड़ा बहुत मुझे गार्डनिंग में शौक बहुत सारे हैं, इसलिए मैं जो अपने घर के साथ जुड़ा हुआ मेरा किचन गार्डन है उसमें मैं थोड़ा सा सब्जी वब्जी भी बीज बीज लगा रही हूँ आजकल, और अच्छा लगता है उस हरियाली को देख के कि हम अपनी फ्रेश सब्जी अपनी ही किचन गार्डन से ले लेते हैं, तो मैं ये सब कर रही हूँ। लेकिन जो मेरी कविता है वो भी मैं कह सकती हूँ, दहशत फैलाना किसी का मकसद न हो, दहशत फैलाना किसी का मकसद न हो, पर जीवन की सतर्कता की खातिर जानकारी देना जिसका उद्देश्य हो। यूं तो जीवन कभी भी अधूरा छोड़ चला जाएगा। अब ये जो लिखी है मैंने बहुत शुरुआती दिनों में लिखी थी, कोरोना जब आया था और स्कूलों में छुट्टी थी और बच्चे फिर भी घूम रहे थे, तब लिखा था। यूं तो जीवन कभी भी अधूरा छोड़ चला जाएगा, हाँ इन दिनों बच्चे मस्ती मार रहे हैं, स्कूलों में छुट्टी है तो क्या दोस्तों संग पिकनिक मना रहे हैं। यूं तो जिंदगी नाम ही जीने का है, छुप छुप के कमरों में रहने का नहीं, पर भाग दौड़ का जीवन भी तो बहुत हुआ, भाग दौड़ का जीवन भी तो बहुत हुआ कि कुछ आराम इसी बहाने फरमाया जाए, कुछ भूले हुए रंगों को कैनवास पे अजमाया जाए, कोई गीत गुनगुनाए अपनों के बीच, कुछ कथा वथा कहानी किस्से सुनाई जाए, अधूरे कामों को पूरा किया जाए, घर के कोनों कोनों को साफ सुंदर बनाया जाए। ना विचलित होना मेरे साथी, ना विचलित होना, घर में बने रहना कि अभी अभी कुछ आकाश से धुआं छटने दो, कुछ नदियों का पानी साफ होकर छलकने दो कि पृथ्वी भी आराम करना चाहती है। बहुत हुई दौड़ भाग भीड़ तंत्र, कुछ लोलुपताएं और स्व से ऊपर समाज के पक्ष में हम भौतिक दूरी स्थापित की जाए, हमें न करना तनाव कि इस पल को आराम का पल बनाकर आनंद लिया जाए। सच कहूं मुझे नींद नहीं आती एज ए डॉक्टर, क्योंकि हमारी फैमिली डॉक्टर की है, सच कहूं मुझे नींद नहीं आती जिसका बेटा बिना किसी रक्षात्मक आवरण के ग्लव्स मास्क के बिना रात दिन मरीजों के बीच जुटा हो, जिसका पति हर वक्त बीमारी के इलाज के लिए डटा हो और मैं कांपती हुई सांस की कमी में फेफड़ों ने पहले ही मर्ज पकड़ा हुआ है मेरा, फिर भी देखती रहती हूँ मरीज खांसी खंकार, तीन अलग अलग कोनों में जिसका घर चिकित्सक होने के नाते मरीजों के बीच बिखरा हुआ हो, एक कातर सी बेटी उसकी आंखों का मौन खौफ कोई क्या जाने उसका, जो अपने भाई अपनी पिता माँ की हालत जानती हो, पुकारती है कभी कभी पापा आ जाओ भाई आ जाओ, जानती है वो नहीं आने वाले, वो अपने कर्तव्यों पे डटे हैं, कोरोना से युद्ध में संघर्षरत हैं। एक दूरी पर खड़ी मैं जब भी उसे अकेला देखती हूँ डरती हूँ और समझती हूँ इस 20 देश दुनिया में कितनों ने कितना कुछ खोया है, कैसे कैसे गम खाए हैं, अपने अपने अनुभव अपने अपने खौफ हैं। बस यही प्रार्थना करती हूँ सब अच्छा हो, सब बने रहें, बस कुछ वक्त दूर रहें। बहुत खूब, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर कविता है। अंत में डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप एक संक्षेप में छोटा सा एक संदेश हमारे सब सुनने वालों को दें।
पहले तो मैं सलाम करूंगी उन लोगों को जो इस महामारी के समय में भी लोगों को अपनी सर्विस दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, जैसे हमारे बिजली विभाग है, अब आप ही लोग हैं हमें जो मनोरंजन का साधन दे रहे हैं, हमारे मीडिया वाले हैं और इंटरनेट वाले हैं और ग्रोसरी शॉप वाले हैं, ये लोग सब अपने खतरे को मोल लेते हुए भी अपनी समाज को सेवा दे रहे हैं। मैं सबसे कहूंगी कि हमारा कर्तव्य है कि हम लोग भी उनको सुरक्षा प्रदान करें, हम लोग भी अपने घरों में रहें, अगर हम कोई भी बीमार है तो इसको ना फैलाएं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि सुरक्षित रहें, घर में रहें, हाथ धोते रहें, अपने को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। मेरा यही निवेदन है सबसे। डॉक्टर नूतन जरोला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।